Hello students, welcome back to our lecture number 2. Okay, myself is Kunal Pandya. इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो वीडियो है उसके ऊपर आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें. सो लास्ट टाइम मैंने जैसे बताया था विल स्टडी अबाउट मोशन. ओके, सो मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी. अब ये जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये तो बहुत भारी डेफिनेशन हो गया, तो कुछ एकदम ईजी लैंग्वेज हम लोग समझते हैं. मान लो दिस सपोज एन ऑब्जेक्ट. ओके, ये है एक ऑब्जेक्ट. ओके, और ये कोई एक बॉडी इमेजिन कर लेते हैं. ओके, दिस सपोज अ बॉडी. चलो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी को कैसा दिखाई दे रहा है? तो स्टेशनरी. इसी पेड़ को हम लोग अगर देखें, हाँ वो ऑसिलेटरी मोशन या कोई और टाइप का मोशन कर सकते हैं, बट हमको ये पता है कि वो लीनियर मोशन नहीं करता. तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में बात करेंगे. सो हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, ओके ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये कार्टून, ओके विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा. बट यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट और हमारा जो बॉडी है इट इज लाइंग ऑन अर्थ सर्फेस. ठीक है ना, देखो दिस इज लाइंग ऑन अर्थ सर्फेस. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है? हमको ये जो ट्री है वो स्टेशनरी दिखाई दे रहा है. ठीक है, बट अर्थ तो मूव कर रही है. ठीक है, अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग. अगर अर्थ मूव करेगी तो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द अर्थ, ओके अर्थ के बाहर कोई एक इमेजिन करो लाइक दिस. ओके, अर्थ के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है जो अपने को स्टेशनरी दिख रहा था यहाँ पे ट्री, इट इज इन मोशन. वाई? बिकॉज ये पूरा अर्थ मोशन में है. ठीक है, दिस अर्थ इज इन मोशन, अर्थ मोशन में है, अर्थ इज इन मोशन किसके विद रिस्पेक्ट टू? अर्थ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द अर्थ. हमको तो अर्थ स्टेशनरी ही दिखती है, बट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द अर्थ वो कैसा दिखाई देता है? मोशन में. सो यहाँ से पता चला कि भाई ये ट्री जो है तो ट्री मोशन में है या स्टेशनरी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सोचो, फिर से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. ये जो ट्री दिख रहा है हमको, ओके इज द ट्री स्टेशनरी और इट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट? तो वो डिपेंड करेगा रेफरेंस पे. विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन या फिर विद रेफरेंस टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ ट्री इज स्टेशनरी, बट विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द अर्थ ये कैसा दिखाई देगा? इट इज इन मोशन. ओके, सो मोशन कैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. विदाउट एनी रिलेटिविटी वी कैन नॉट डिफाइन मोशन. यानी आप लोग भी आपके आजू बाजू आपको अगर कोई चीज़ दिख रही हो, जैसे आप लोग टीवी देख रहे हो तो टीवी आपको स्टेशनरी दिखाई देगा, बट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द अर्थ पूरा अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ के साथ साथ टीवी भी मूव करेगा. तो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द अर्थ टीवी जो है वो मोशन में होगा. ठीक है, तो मोशन में आपको पता चल गया होगा कि भी वो डिपेंड करता है रेफरेंस पे. ओके, तो फिर से मोशन का डेफिनेशन बता रहा हूँ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा. किसके? विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी ही वो मोशन में होगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी, तो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू ही वो मोशन में होगा. ओके, विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज इट मे बी इन मोशन, इट मे बी नॉट मी इन मोशन. ओके, सो आगे बढ़ते ये WRT क्या लिखा मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. WRT यानी विद रिस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू, यानी हम लोग कहाँ से देख रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू. ओके, तो याद रखना विद रिस्पेक्ट टू हो या फिर विद रेफरेंस टू हो, दोनों एक ही बात है, और आगे जाके हम लोग उसको सिर्फ WRT लिखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. हम लोग विद रिस्पेक्ट टू तो ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग एक फ्रेम को डिफाइन करना पड़ता है जिसे बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम. ये रेफरेंस फ्रेम क्या होती है? इट इज अ पॉइंट और सिचुएशन फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर टेक्स हिज और हर ऑब्जर्वेशंस. यानी ऑब्जर्वर जहाँ से उसके ऑब्जर्वेशन करे उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम. और ये रेफरेंस फ्रेम कैसे डिसाइड की जाती है? इन दिस केस थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आर टेकन. कौन कौन से? एक्स एक्सिस ली जाती है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. और ये हमेशा कैसे होने चाहिए? इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डरो मत, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्या लिखा हुआ है. रेफरेंस फ्रेम का एक एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ. मान लो दिस सपोज अ रोड. ओके, रोड में यहाँ पे है एक बस.
ये है बस, बस के अंदर मान लो ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, दिस इज योर सेल्फ, भाई स्केच तो ऐसे ही होंगे अपने, और आपके बाजू में कोई एक आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर फ्रेंड सपोज, दिस इज सपोज योर फ्रेंड। सो बस अगर मोशन में है, ओके, लेट द स्पीड ऑफ बस इज सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, 50 किलोमीटर पर आवर। इन दैट केस सी, आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने फ्रेंड को, दिस इज द योर फ्रेंड, और आप लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। वी कैन से जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे बोलते हैं ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। तो आपको आपका फ्रेंड कैसा दिखाई देगा? वी कैन से आपको आपका फ्रेंड स्टेशनरी दिखाई देगा, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर आपका फ्रेंड स्टेशनरी है, बट यहाँ पे इमेजिन करो कि आपका कोई और एक फ्रेंड बाइक लेके आ रहा है, भाई अपनी बाइक ऐसी ही बनेगी, सपोज अ बाइक, ओके, बाइक पे बैठ के आपका एक दूसरा फ्रेंड आपको चेस कर रहा है, ठीक है, ऑन बाइक, लेट हिज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो ये जो पीछे आपका फ्रेंड है, ओके, उसकी स्पीड है 30, तो ये वाले फ्रेंड को, ये जो आपका जो फ्रेंड है उसकी स्पीड कितनी लगेगी? सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका 30 स्पीड है, ये बस की स्पीड है 50, सो इन दैट केस ये जो है वो ऑब्जर्व करेगा कि इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये 30 है और ये है 50, तो ये वाला जो है फ्रेंड, ओके, जो पीछे बाइक पे आ रहा है, वो बाइक वाला देख पाएगा कि इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, उसको 50 वाली स्पीड नहीं दिखाई देगी। व्हाई? बिकॉज ही ऑलरेडी इज इन मोशन, उसकी ऑलरेडी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसलिए वो उसको स्टेशनरी दिखाई देगा, ओके। वापस एक बार समझते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई एक फ्रेंड है आपका जो सिर्फ खड़ा इधर लाइक दिस, ओके, यहाँ पे आपका एक और फ्रेंड खड़ा है, सो ये वाले फ्रेंड को इसका स्पीड कितना लगेगा? सो सी, ये बस की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेंड, ओके, ये वाले फ्रेंड की स्पीड भी कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सबके सब लोग अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? दे आर मूविंग इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो ये फ्रेंड है आपका, ये जो बाइक चला रहा है, वहाँ पे हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सिमिलरली आप जो बैठे हुए यहाँ पे ऑब्जर्वर, ये भी यहाँ से भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, और यहाँ पे भी ले सकते हैं हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऐसे हम लोग जहाँ भी चाहे वहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले सकते हैं। जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ली है हम लोगों ने, वो जो पॉइंट पे जो इंसान बैठा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है? हमेशा एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे। अगर बाहर की तरफ एक एक्सिस इमेजिन करें तो वो जेड एक्सिस भी हम लोग ले सकते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा कि जेड एक्सिस कहाँ पे होती। अभी के लिए इतना याद रखो कि भाई ये ऑब्जर्वर जहाँ से ऑब्जर्वेशन लेता है उसी को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, ओके। ये कैसे ली जाती है? देखो, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग वाई एक्सिस और यहाँ पे ले सकते हैं जेड एक्सिस। इसका डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए, एक्स के बाद वाई आना चाहिए, इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो मैंने जो ऐसे ये एरो किया हुआ है ऐसा लाइक दिस, दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। सो यहाँ पे एक्स के बाद जो वाई आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से वाई से जेड भी अगर हम लोग देखें थ्री डायमेंशन में, तो वाई से जेड की तरफ आते हुए भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएंगे, उसी तरह से जेड से एक्स की तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज बता देता हूँ यहाँ पे, जो सही है वो भी बताऊंगा और जो गलत है वो भी बताऊंगा। गलत इसलिए बताऊंगा कि आप लोग गलती ना करें एग्जाम के अंदर, ओके। सो लेट्स सी व्हाट व्हिच थिंग्स आर करेक्ट एंड व्हिच थिंग्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे ले सकते हैं वाई और यहाँ पे ले सकते हैं जेड। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको मन चाहे कि भाई मुझे यहाँ पे वाई लाइए, यू कैन टेक वाई एक्सिस, बट वाई के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आएगा? तो वाई के बाद आता है जेड, ए बी सी डी याद रखनी है, एक्स वाई जेड वाला। तो यहाँ पे वाई, वाई के बाद कौन आएगा? जेड, और जेड के बाद आएगा यहाँ पे एक्स। अगर आपका मन करा है कि मैं इधर जेड ले लूँ तो कोई बात नहीं, जेड, जेड के बाद क्या आएगा सी याद रखना, एक्स के बाद हमारी ए बी सी डी में आएगा वाई, वाई के बाद कौन आएगा? जेड, और जेड के बाद आएगा एक्स, ओके, ये चेंज चलता रहेगा। तो यहाँ पे जेड, जेड के बाद कौन आएगा?
एक्स और यहाँ पे आएगा वाई। ओके सो ये जो मैंने तीन ऊपर के ड्रॉ किए हुए दे आर करेक्ट, ओके उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो इनकरेक्ट वाले ना वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ तो एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो आप लोग इधर ले लेते हो एक्स एक्सिस, इधर ले ली जेड एक्सिस, यहाँ पे वाई, देन ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके ऐसा हम लोग नहीं ले सकते, वहाँ ये कन्वेंशन है भाई, कन्वेंशन यानी रिवाज है। ओके अगर आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया जेड एक्सिस और यहाँ पे ले लेते हो सपोज आप लोग वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स, तो ये भी आप लोग नहीं लिख सकते, दिस ऑल्सो इज इनकरेक्ट। सिमिलरली अगर कोई यहाँ पे बोलता है कि मुझे वाई लेना है, कोई बात नहीं, बट वाई के बाद यहाँ पे जेड आना चाहिए। अगर मान लो उसने ले लिया एक्स और यहाँ पे जेड, दिस थिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो को पॉज करो और यहीं पे ये सारी चीज़ें लिख दे, ठीक है। एक्स वाई जेड आर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स के बाद वाई आता है, सही है, वाई के बाद कौन आता है जेड, सही है, जेड के बाद कौन आएगा एक्स, दिस ऑल्सो दिस थ्री आर करेक्ट वंस, ठीक है। जो नीचे वाले ड्रॉ किए हुए दे आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट, ये आपको 12th में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है, याद रखना। सो लेट्स सी नेक्स्ट, फिर से बताऊँ रेफरेंस फ्रेम क्या है। इट इज़ अ पॉइंट और सिचुएशन, पॉइंट और सिचुएशन कैसे, जो आपके फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, द पॉइंट और सिचुएशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन, यानी आप जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ से आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिए थे। ऑब्जर्वेशन कैसे लिए थे आप लोगों ने, वहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इमेजिन की थी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस आगे जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेफरेंस फ्रेम को और डिटेल में देखते हैं, जैसे मैंने वो बस वाला एग्जाम्पल दिया था वैसे एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ तो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाए। मान लो यहाँ पे कोई एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, इवेंट यानी वो कुछ रॉकेट यहाँ पे फूट रहा है, ओके। इन दैट केस ये जो इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पे, ओके, एट पॉइंट ओ, ओ वाले को ये जो इवेंट है वो कुछ इतना दूर दिखाई देगा और ये जो है उसको भी इवेंट यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। बट मान लो ये दोनों मोशन में है, जैसे ये जो इंसान है ही इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, देखो यहाँ पे वी वेलोसिटी दी हुई है, तो वी टी विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, यहाँ पे भी ये इसकी वेलोसिटी भी है सपोज भी, तो इन दैट केस अगर दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हो तो दोनों के लिए ये जो इवेंट हो रहा है उसकी स्पीड भी अलग होगी। ओके फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लो ये इंसान द पर्सन विच इज़ एट ओ एंड पर्सन विच इज़ एट ओ डैश, अगर वो दोनों एक ही इवेंट को देख रहे हैं तो उन दोनों के लिए क्या होगा, द इवेंट विल बी सीम्स टू बी डिफरेंट। ओके सो यहाँ पे ये जो वी टी दिया हुआ है इट इज़ अ डिस्टेंस, सी वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके तो डी क्या होगा, वी इन टू टी, यहाँ पे जो वी टी दिया हुआ है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दिस ओ एंड ओ डैश, ये दोनों कौन है, ये दोनों है ऑब्जर्वर, क्या कर रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग द इवेंट, इसलिए ये जो खड़े हुए हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हम लोगों ने जो ड्रॉ की उसे बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ओके तो ये भी एक रेफरेंस फ्रेम है और ये भी एक रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, रेफरेंस हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। ओके सो लेट प्रोसीड फर्दर, आगे देखते हैं पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही से चालू होगा और इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। सो लेट सी पोजीशन के लिए क्या चाहिए, अगर मान लो मुझे किसी भी चीज की पोजीशन अगर डिफाइन करनी हो तो आई विल नीड व्हाट, रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस फ्रेम, यानी जैसे मान लो यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, दिस सपोज एन इवेंट, कुछ भी इवेंट हुआ यानी बॉम्ब फूटा या कुछ भी, ओके इफ़ यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो उसको अगर मुझे बताने के लिए कहाँ हो रहा है, तो फॉर दैट इन दैट केस मुझे क्या लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक सम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बाहर की तरफ जेड एक्सिस। अगर इवेंट यहाँ पे हो तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ भाई, ये एक्स डायरेक्शन में इतना दूर है और वाई डायरेक्शन में इतना दूर है, तो यहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, ठीक है। सो पोजीशन एंड पाथ लेंथ, सॉरी पोजीशन के लिए हमको ये दो चीज़ें होनी मिलनी होनी चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक तो रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम यानी क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और रेफरेंस पॉइंट यानी ये जो ओरिजिन दिख रहा है ना यहाँ पे ये, ओके उसी को ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस फ्रेम कैन बी सेड टू बी रेफरेंस पॉइंट, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी के लिए इतना याद रखो दैट रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। लेट्स प्रोसीड फर्दर, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले हम लोगों ने क्या देखा, वी स्टडीड अबाउट पोजीशन, ठीक है, इसमें हम लोगों को तीन चीज़ पढ़ने वाले थे,
पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें से हमारा पोजीशन वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फिर भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। टू मेक थिंग्स मोर फनी मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा। यहाँ पे ये टोनी भाई यहाँ पे है, ओके, उसको यहाँ पे कहीं जाना है इनसे मिलने के लिए। सो इन दैट केस ये अपने अहमदाबाद में आते, और इमेजिन करो ये भी उनकी बैटरी सब खलास हो चुकी है, और ये रिक्शा वाले उनको घुमा घुमा के ले जाते हैं, ठीक है। ये रिक्शा वाला उसको यहाँ से इस तरफ ले जा रहा है, उसको जाना कहाँ था, सीधा सीधा जाना था, इधर 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, ओके, टोटल डिस्टेंस वॉज 5 किलोमीटर। बट इमेजिन करो, इमेजिन करने में क्या जाता है भाई, ओके, आपको ये कुछ ज्ञान मिल जाएगा। सो ये अपना टोनी भाई यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उनको एड्रेस नहीं पता था, GPS उनका बंद था, तो रिक्शा वाला उसका फ़ायदा उठा के उसको घुमा फिरा के यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले जाता है, ठीक है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक ले जाता है, इन दैट केस कितना पाथ, ये जिस पाथ से गया उस पाथ की लेंथ क्या होगी, तो दिख ही रहा है यहाँ पे, देखो ये है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और वापस से 10 किलोमीटर, कितना हुआ, 10 10 5, इट बिकम्स 25। तो ये केस में पाथ लेंथ होगी 25 किलोमीटर, ओके। सो ये था पाथ लेंथ, पाथ लेंथ होगा आपको समझ में आएगा, जिस पाथ से वो गए उसी की लेंथ हमको फाइंड करनी है। पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ दोनों एक ही बात है। या इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि अभी फाइनल पोजिशन कहाँ पे है, तो बोले यहाँ पे, ओके, सॉरी फाइनल पोजीशन यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, ये रहा, इट इज़ ए इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल जाते वक्त शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 5 किलोमीटर। तो ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर, ओके। वो आप एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बार बताने वाला हूँ, अभी के लिए थोड़ा बहुत दिमाग में ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये जिस पाथ से गया उस पाथ की लेंथ यानी क्या होती है पाथ लेंथ, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो दो पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ओके, शॉर्टकट वाला डिस्टेंस या कुछ भी बोलो, तो इस केस में वो है 5 किलोमीटर। आगे देखते हैं, ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया उससे क्या क्या पता चला है। तो उससे ये पता चला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। मैग्नीट्यूड यानी ये जो नंबर दिया ना, वो 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिंक होती है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कि आपके घर का दरवाज़ा, ठीक है, आप लोग अगर घर के दरवाजे पे फोर्स लगाओ खोलने के लिए, ठीक है, आप लोग दरवाजे को खोलने के लिए फोर्स लगाओ तो दरवाज़ा खुलेगा, तो आंसर होगा यस एंड नो। यस कैसे, अगर आप लोग दरवाजे पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा, बट अगर आप लोग दरवाजे पे बहुत कम फोर्स लगा रहे हो तो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला, ओके। सो ये कम या ज़्यादा जो मैंने बताया उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड विद द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ओके, जो भी नंबर रिलेट करता है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ वापस एग्जाम्पल से। सी ये वाले केस में, सी वापस ये लाइन समझ लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू, मे बी हो सकता है, ठीक है, हर बार नहीं होगा बट मे बी, वो मे बी वाली कंडीशन में आपको बताने जा रहा हूँ। सो मान लो ये टोनी भाई को रिक्शा वाला एकदम ऑनेस्ट है सीधा ले गया, इन दैट केस डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस या पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी होगा 5 किलोमीटर। तो अगर अगर यानी ही मे, ओके, मे बी अगर वो यहाँ से गया होता तो इन दैट केस क्या होता, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते। तो होप आपको ये पिछला वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी यानी अगर वो रिक्शा वाला ऑनेस्ट निकला तो ही, ठीक है, ओके, इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी समझ लेना भाई पाथ लेंथ, ओके। चलो भाई आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो बताता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, कैन बी लेस देन डिस्टेंस। तो ये देखो ये वाले केस में डिस्टेंस कितना है, अगर मान लो ये घूम के गया, ओके, सो इन दैट केस डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ, ओके, इट इज 25 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लेस हो गया ना, देखो भाई, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन पाथ लेंथ, पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस। आई होप आप लोगों को ये दूसरा वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया था अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें, तो डिस्प्लेसमेंट था सिर्फ 5 किलोमीटर। ओके, कैन बी, कैन बी यानी रिक्शा वाला अगर घुमा फिरा के ले गया, कैन बी लेस देन डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। ये जो लाइंस लिखी हुई है यहाँ पे, इट इज दे आर द एनसीईआरटी लाइंस, ठीक है, ये एनसीईआरटी है। आप लोग एनसीईआरटी लेके भी बैठ सकते हो और ये इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर, इट इज़ लेस देन 25 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, ये अपने टोनी भाई सीधे चले जाते हैं, ओके, तो पाथ लेंथ कितना होगा, 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 5 किलोमीटर। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होगा जिसमें ये इधर से इधर आ जाए और ये जो पाथ लेंथ है वो 5 किलोमीटर से कम हो जाए, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नेवर पॉसिबल। ओके, सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो डिस्टेंस की वैल्यूज क्या क्या आई थी, तो डिस्टेंस की वैल्यू थी 5 किलोमीटर आई थी अगर सीधा वो रिक्शा वाला ऑनेस्ट निकलता है, तो अगर घुमा फिरा के ले जाए तो कितना आएगा, 25 किलोमीटर। ये दोनों केस में, ये दोनों केस में ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल है या तो फिर लेस है, ठीक है, बट ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस है वो कभी भी लेस नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। आगे देखते हैं, फॉर अ गिवन कोर्स ऑफ मोशन द डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो बट पाथ लेंथ कैन नेवर बी जीरो। अब ये क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। मान लो कि ऐसा हुआ कि भाई ये अपने टोनी भाई इधर हैं, ठीक है, उनको जाना था यहाँ तक, इनसे मिलने जाना था, रिक्शा वाला ये उनके पीछे ही था बट इनको नहीं पता था, तो रिक्शा वाला घुमा फिरा के लाइक दिस उसी पॉइंट पे ले आके छोड़ देता है। इन दैट केस व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले पाथ लेंथ देख लेते हैं, डिस्प्ले पाथ लेंथ कितना होगा, 10 10 20 20 प्लस 10 कितना हुआ, 30 किलोमीटर, दैट इज़ अ पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन कहाँ पे, यहीं पे, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, वो भी वहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये वाले केस में, जीरो। सो इन अ गिवन कोर्स ऑफ मोशन, ओके, इन अ गिवन कोर्स ऑफ मोशन द डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों, अगर मान लो कि भी कोई ऑब्जेक्ट घुमा फिरा के वहीं पे अगर वापस आ जाए तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बट पाथ लेंथ जीरो नहीं हो सकता भाई, रिक्शा वाला का मीटर जो है वो जीरो नहीं होगा। ओके, ये जो एग्जांपल है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये है पॉइंट पी, दिस इज क्यू आर एंड दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन को इन लोगों ने ओ बोला हुआ है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट जाता है ओ से पी तक, ठीक है, ओ से लेके पी तक, चलो ओ से लेके पी तक जाएंगे, इन दैट केस पाथ लेंथ कितना होगा, जिस पाथ से गए उसकी लेंथ कितनी होगी, तो देखो ओ से लेके पी तक दिस इज 360, तो कितना होगा, ओ से पी तक होगा 360। ओके, जीरो से सीधा 360 तक गए, एंड देन क्यू, अभी पी से हमको कहाँ जाना है, क्यू तक, अगर पी से क्यू जाते, देखो पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है, इट इज 120। ओके, तो ये कितना होगा, दिस 120। अब क्वेश्चन क्या है, पाथ लेंथ कितना हुआ, तो ये वाले केस में पाथ लेंथ, अगर रिक्शा वाला जाता है तो अगर सीधा जाएगा तो ये भाड़ा भी लेगा और पी से क्यू तक आने का भी वो वसूल करेगा, इन दैट केस इट विल बी 360 प्लस 120, दैट बिकम्स 480। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये वाले केस में, तो डिस्प्लेसमेंट होगा सी, यहाँ से सीधा गए, इट इज 360 माइनस 120, कितना मिलेगा, 240। अगर ये माइनस वाली बात समझ में नहीं, तो आप लोग ये भी देख सकते कि पहले कहाँ पे था, ओ पे, लास्ट में कहाँ पे, क्यू पे, इन दैट केस ये चेंज इन पोजीशन यानी पोजीशन कितनी चेंज हुई, पहले ओ से क्यू गया, तो चेंज इन पोजीशन इज 240 माइनस 0, दैट विल गिव 240। ओके, यहाँ पे याद रखना भाई, मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में मार्क कट हो जाएंगे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा होप। ओके, पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं, याद रखना, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। आगे देखते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। ये पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताया,
इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन पोजिशन। अगर पोजिशन चेंज हो रही है तो उसी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ये पाथ लेंथ हमेशा कैसा होगा, इट इज़ पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला तो मैंने आपको बता दिया, ज़ीरो वाला भी बता दिया। एक दिन आपको मैं नेगेटिव कैसे होगा वो भी बताऊंगा, आज नहीं। ओके, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। ओके, हाँ, ये है स्केलर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है वो भी आपको बाद में बता पाऊंगा मैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज विच आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही पूरी क्वांटिटी का पता चल जाए वैसी टाइप की क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड अ वैक्टर क्वांटिटीज़। वैक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर देयर स्पेसिफिकेशन। यानी कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी का एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बनाने वाला हूँ। ये क्या होगा, इट इज ये ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। वो जो मैंने लाइंस आपको बताई थी पहले एक एक करके, उसमें ये अच्छे से मेंशन था, ये इक्वल हो सकता है। याद करो, अगर सीधे चले जाए, ओके, वो रिक्शा वाला अगर ऑनेस्ट निकले तो वो इक्वल होगा, इक्वल टू, या अगर वो घुमा फिरा के ले जाए तो क्या होगा, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में या तो इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन द डिस्टेंस। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, इट मे बी ज़ीरो, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ इसलिए नीचे मेंशन नहीं किया हुआ। ओके, सो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अपने होमवर्क में आपको ये वाला टेबल, ओके, ये वाला टेबल जो है वो लर्न करना है और 2 टाइम्स लिखना है। ओके, यू हैव टू राइट दिस टेबल 2 टाइम्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड।